हे एवरीवन, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब ऐसे गोल्स जो डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हो, मतलब हमें ऐसे गोल्स बनाए हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हेल्प करते हो, ठीक है। और ये इनका इंडेक्स है, मतलब कि कौन कौन लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने बनाए हैं ये गोल्स फुलफ़िल कर रहा है, कितने अच्छे से फुलफ़िल कर रहा है, उसको हम एक कंपेयर कर पाएँ। ताकि तो हम इसे नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें हम कुछ पॉइंट्स देंगे, कुछ मार्क्स देंगे, और वो बन जाएगा हमारा SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। गोल्स अचीव करो, आपको मार्क्स मिलेंगे और आप SDG इंडेक्स के अंदर आ जाएंगे। तो इसमें अभी डिटेल में देखते हैं, एक पेज का ये छोटा सा एथिक्स में ये होता है CS प्रोफेशनल के। एम क्या है? बेसिकली UN एंड नीति आयोग ने मिल के इसको बनाया है, ठीक है, SDG इंडेक्स को। और एम ये है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030, और अभी चल रहा है 2023, काफ़ी कम टाइम बचा है। तो नीति आयोग और UN ने मिलके बनाया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया के लिए। तो अभी इंडिया की जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास सिर्फ बच्चे हैं 7 या 6 साल SDG अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए और इंडेक्स में अपनी अच्छी रैंक लाने के लिए, ठीक है। सो SDG गोल्स, इट वॉज मेड बाय नीति आयोग, नीति आयोग ने इसको फ्लोट किया है। इट वॉज डेवलप्ड इन कोलाब्रेशन विद द UN। नीति आयोग ने UN के साथ कोलाब्रेट किया, यूनाइटेड नेशंस के साथ, और इन लोगों ने SDG इंडेक्स बनाया। क्यों बनाया? टू मोनिटर जो हमारी कंट्री है इंडिया, टू मोनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ESG। ESG कितना प्रोग्रेस कर रहा है ईच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी। हमने बहुत पढ़ लिया कि ESG कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं उनको करना है, CSR करना है और बहुत भला करना है। अब जो स्टेट और यूनियन टेरेटरी है उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो एक एक स्टेट और यूनियन टेरेटरी क्या कर रही है, वी विल मोनिटर कि वो कितना प्रोग्रेस कर रही है ESG में, ईच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी, ठीक है। इसमें ट्विन मैंडेट को अचीव करना होता है, मतलब दो चीज़ें कंपलसरी हैं, वो नीति आयोग ने बताया, उन्हें वही देखना है। ओवरसी द अडॉप्शन, क्या देखता है नीति आयोग? अडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ SDG। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितने अच्छे से अडॉप्ट कर रही है और मॉनिटर कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। कुछ एक लिस्ट ऑफ गोल्स दे दिया गया है, अब आप उसको अचीव करिए। एंड ये और क्या करता है SDG गोल्स जो है इंडेक्स, इट प्रमोट्स अ कोऑपरेटिव एंड कम्पेटिटिव सोसाइटी, फेडरलिज्म अमंग्स द स्टेट। बेसिकली एक एटमोसफियर बिल्ड हो जाता है, स्टेट्स आपस में कम्पीट करते हैं और अल्टीमेटली भला हो रहा है सबका, क्योंकि आप SDG प्रमोट कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हैं, तो भला इसमें सबका होता है, ठीक है। आ जाते हैं अब दूसरे पे, स्टेट वाइज परफॉर्मेंस हम इसमें देखेंगे। स्टेट वाइज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड चेक्ड। अभी जो रिसेंटली हमने देखा था उसमें जो रिसेंट इंडेक्स बेसिकली आपको पॉइंट्स मिलते हैं, मैंने बताया था ना, आउट ऑफ जो भी है। अभी ये देखो, आउट ऑफ 100 पॉइंट्स आर गिवन, हायर इज़ बेटर। ऑब्वियसली जिस स्टेट को, जिस यूनियन टेरेटरी को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो बेटर कर रहा है ESG अचीव करने में, SDG गोल्स अचीव करने में, है ना, उसको स्कोर मिलेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ये देखो, सबसे बड़ा होता है एस्पिरेंट, फिर नहीं, सबसे छोटा है एस्पिरेंट, फिर उससे बड़ा परफॉर्मर, फिर फ्रंट रनर, सबसे बड़ा होता है अचीवर। तो देखते हैं, रिसेंट जो एक वो स्टैटिस्टिक्स था उसके हिसाब से केरला वाज ऑन टॉप, केरला ने सबसे बढ़िया किया, उसके बाद तमिलनाडु, फिर हिमाचल प्रदेश। इन लोगों ने ESG को अच्छे से अडॉप्ट किया और इम्प्रूव किया, उस पर वर्क किया अपने, और इन्हें 100 में से अच्छे पॉइंट्स मिले। सबसे कम इम्प्रूवमेंट जिसने दिखाया, मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं बट दे आर लाइक सबसे नीचे हैं जो, वो है तुम्हारा बिहार, झारखंड एंड असम, बस। तो हमें देखना क्या होता है हर एक स्टेट की, हम इससे अगर हम ऐसे हमें एक रैंक मिल गई SDG, अगर तुम्हें कल को तुमने करंट अफेयर्स में देखा SDG में ऐसे रैंक है बहुत सारी सिटीज़ की, वो स्टेट्स की एंड यूनियन टेरेटरीज़ की, तो तुम्हें लगेगा SDG रैंक ओके, तो तुम सोचोगे कि ओके मतलब कि जो सबसे टॉप पे है उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं और उस स्टेट ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ESG यानी एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस भी उस स्टेट का बढ़िया चल रहा है। तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं और स्टेट्स में आपस में भी एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा।
बस यही था इतना सा, एंड आई होप मज़ा आया हो एक न्यू कॉन्सेप्ट जान के। सो इफ दैट वॉज हेल्पफुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।